अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुमेरास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा आलू। और अभी एक वीडियो मैंने इससे पहले आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने आपको कीमा स्टोर करने की रेसिपी बताई थी। मैं दोबारा से रिपीट करूँगी, आप इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम हाफ जो है क्वांटिटी में कीमा यूज़ कर रहे हैं और उसको हम स्टोर करेंगे। उसकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। और बिल्कुल सेम स्टेप है, आपको एक चॉप्ड अनियन लेना है और उसको जो है ये तमाम चीज़ें जो एसेंशियल्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अजवाइन है 1 टीस्पून, सिनेमन स्टिक्स हैं और ब्लैक कार्डमम है। इसके साथ साथ जो स्पाइसेस हैं वो भी आप नोट कर लीजिए। इसमें हम सॉल्ट यूज़ करेंगे, रेड चिली पाउडर और गरम मसाला पाउडर। आप चाहें तो हल्दी और सूखा धनिया यूज़ कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आप सबसे पहले क्या यूज़ कर रहे हैं और बाद में क्या, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो तो जाएंगी टर्न बटन। और इसके साथ साथ यहाँ पे जूलियन कट मेरे पास जिंजर है और थोड़ी सी मोटी कटी हुई मैंने यहाँ पे हरी मिर्च रखी है और तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के मेरे पास आलू हैं और उनको मैंने इस तरह से काट लिया है। सबसे पहले हम आलू कीमा बनाने के लिए कीमा प्रिपेयर करेंगे, तो उसके लिए आपको पैन में कीमा लेना है और ऑयल ऐड करना है। फ्राइंग शुरू करेंगे हम कीमे की। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1/2 kg कीमा लिया है और 1/2 cup जो है वो मैंने ऑयल यूज़ किया है। इसके साथ साथ 1.5 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये आप देख सकते हैं। ये 1.5 teaspoon जो है वो मैं टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और उसको साथ साथ थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अनियंस ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पे दालचीनी और काली इलायची और अजवाइन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। अजवाइन से बहुत अच्छा जो है वो डाइजेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि कीमा जो है बीफ मटन कोई भी हो वो हैवी होता है थोड़ा सा, तो इसको हम साथ साथ जो है वो मीडियम फ्लेम पे पकाते रहेंगे। इसमें ऐसे पानी डालने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे इसमें टमाटर भी ऐड करूँगी तो टमाटर का भी पानी होता है और उसी पानी में जो है वो अच्छे से ये गल जाएगा। दही इस स्टेप पे ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो दही भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर जो है वो मैंने पील कर लिया है और 1 medium size का टमाटर जो है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ये जब भुन जाएगा तो भुनते भुनते ये जो आपको टमाटर नज़र आ रहा है ये नहीं नज़र आएगा, ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा कीमे के साथ। लिड को कवर कर दीजिए और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। आफ्टर 15 मिनट्स ये इस शक्ल का हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पे आके मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी किस लिए ऐड करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अब मैंने इसमें आलू ऐड कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी इतना डालेंगे हम कि जो आलू हैं वो उस पानी में गल जाएँ। तो मैंने पहले आलू डाले हैं, इसको अच्छे से ज़रा मिक्स कर लीजिए, भून लीजिए 1 से 2 मिनट और उसके बाद इसमें पानी डाल दीजिए। पानी सिर्फ इतना ही डालेंगे जिसमें आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। ये आप देख सकते हैं सिर्फ इतना ही पानी मैंने ऐड किया है। जैसे जैसे पानी ड्राई होगा आलू गल जाएंगे और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो जो रेडी टू स्टोर कीमा मैंने आपको बताया उसमें से एक रेसिपी तो ये है कि आप उसमें कीमा जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उसमें आलू डाल लीजिए। और ये मैंने कीमा रेडी कर दिया है, इसमें जूलियन कट जिंजर और हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं और जितने स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं उसी के अंदर ये पका है। सॉल्ट ऑप्शनल होता है और ये बहुत ही लजीज आलू कीमा आपका रेडी हो गया है बहुत ही कम वक्त में। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।